नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्फो बुलेट्स में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव और आज की इस वीडियो में हम करेंगे Amazon Basics 50 इंच ट्राइपॉड का अनबॉक्सिंग और रिव्यू, और साथ में समझेंगे कि कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, कैसे इसको असेंबल करते हैं और कैसे इसको यूज़ करते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है वो अमेज़ॉन पैकेज जिसमें हमें ये हमारा अमेज़ॉन बेसिक्स 50 इंच ट्राइपॉड रिसीव हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं, एक पॉलीथीन पैकिंग है ये। चलिए इसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है अमेज़ॉन बेसिक्स लाइट वेट एल्यूमिनियम ट्राइपॉड 50 इंच यानी 127 सेंटीमीटर। ये फर्दर इसकी कुछ और डिटेल्स, ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका MRP है 1815, पर मैंने इसे अमेज़ॉन से 700 रुपीज़ में मंगवाया है। इसमें आप मंथ एंड ईयर ऑफ इम्पोर्ट, ये अगस्त 2019 का इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है। चलिए आइए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या मिलता है। तो दोस्तों, इस बॉक्स के अंदर हमें ये पैकेज मिला है जिसमें ये है इसका कवर, और इस कवर के अंदर ये है वो अमेज़ॉन बेसिक्स का ट्राइपॉड। ये कैरी बैग आप देख सकते हैं, ये ज़िपर बैग है, बहुत इजी टू कैरी है, आप कैरी करके कहीं भी इसको लेके जा सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का बैग है। और जो ये आपका ट्राइपॉड है, ये भी लाइट वेट है, इजी टू कैरी है, आप इजीली कहीं भी इसको कैरी करके लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा अमेज़ॉन बेसिक्स का ये 50 इंच का ट्राइपॉड, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, एज इन बहुत ही अच्छा मेटेलिक फिनिश इसको दिया है, और एल्यूमिनियम बॉडी है इसकी। इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे यूज़ करेंगे, हम सारा इस वीडियो में हम देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले आपके इसके तीनों लेग्स जो हैं उनको आप इस तरह खींचिए और इसको नीचे की तरफ दबा के इसको आप ऐसे ओपन कर सकते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं, हर लेग में तीन एक्सटेंशन हैं, तीन सेक्शन हैं जिनको आप फर्दर ओपन कर सकते हैं। तो इनको ओपन करने के लिए आपको ये लॉक्स ओपन करने हैं। देखिए, जैसे मैं एक लॉक, सेकंड और ये थर्ड लॉक, इस तरीके से जितना भी मुझे ज़रूरी नहीं है मैं तीनों लॉक ओपन करूं, मैं कोई एक लॉक ओपन करके जितना मुझे लेंथ रिक्वायर्ड मैं उतना लेंथ ओके करके इसको वापस क्लोज कर सकता हूं। बट मैं क्योंकि आपको फुल लेंथ दिखाना चाह रहा हूं, इसलिए मैं सारे लॉक ओपन करके इसको पूरा कंप्लीट ओपन करूंगा। ये बहुत ही लाइट वेट है, पर लाइट वेट होने के बावजूद इसका ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। एक प्रीवियस ट्राइपॉड जो हमने पहले डिस्कस किया था वो था वेनगांजा ट्राइपॉड। इसको आप देखने के लिए ऊपर दिए आई कार्ड बटन पे क्लिक करके आप उसकी वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने वेनगांजा ट्राइपॉड का भी रिव्यू किया था। अब ये पूरा ओपन होने के बाद हम सारे लॉक वापस बंद कर देंगे। मुझे इसके लॉक्स थोड़े टाइट ज़रूर लग रहे हैं। तो इस तरह ये फुल लेंथ इसका ओपन हो गया है, बट आप फर्दर और हाइट भी अचीव कर सकते हैं इस नॉब के थ्रू। जब आप इस नॉब को ओपन करेंगे तो इससे क्या होगा कि आप जो इसका हेड है उसको और ऊपर मूव कर सकते हैं, और ये हेड देखिए और ऊपर जाके इस तरह हमें ये जो हाइट मिलेगी इससे वो है 50 इंच की हाइट। और 50 इंच की हाइट एक सफिशिएंट है, एक बहुत अच्छी हाइट है जिससे कि आप कोई भी कैमरा रिकॉर्डिंग या स्टिल पिक्चर ले सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों, ये है वो हेड। अब इस हेड को कैसे ऑपरेट करते हैं, इसमें क्या क्या नॉब्स हैं वो समझते हैं। देखिए, सबसे पहले एक इस नॉब के बारे में देखते हैं। ये नॉब जो है आपको, पहले हम इसके हेड को स्ट्रेट कर लेते हैं।
इस हेड को स्टेयर करने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा ये स्टेयरिंग अरेंजमेंट दिया है, इसको बोलते हैं पैन मूवमेंट। इस पैन मूवमेंट को जहाँ पे भी आप स्टिल करना चाहते हैं आप अपना यहाँ पे DSLR माउंट कर सकते हैं। DSLR माउंट करने के बाद उस DSLR को मूव करने के लिए आप यहाँ से मूव करेंगे। सपोज़ आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसको स्टिल रखना चाहते हैं तो उसको वहाँ स्टिल करके आप इसको टाइट कर सकते हैं इस नॉब को। जब आप इस नॉब को टाइट कर देंगे तो आपकी कोई इस तरह की मूवमेंट आप नहीं रहेगी यहाँ पे। सिमिलरली मैं यहाँ पे ऑलरेडी ये टाइट कर चुका हूँ। अब एक दूसरा नॉब हमें मिलता है दोस्तों, जो कि है ये वाला। अब इसका पर्पस देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आपका कैमरा या आपका DSLR माउंट होगा, इवन मोबाइल फ़ोन भी इसमें माउंट कर सकते हैं, बट मोबाइल ब्रैकेट इसके साथ हमें नहीं मिलता, मोबाइल ब्रैकेट हमें सेपरेटली लेना पड़ेगा। कैसे यूज़ करेंगे मोबाइल ब्रैकेट वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। साथ में अभी इस नॉब का हम फंक्शन समझ रहे थे। अभी देखिए इसको जब मैं ओपन कर लेता हूँ, इसको ओपन करने के लिए मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, इससे क्या है ये मेरी मूवमेंट ये मिल जाती है। इस मूवमेंट से क्या होगा अभी आपको मैं बता रहा हूँ। ये जो पैन हेड है, ये पैन हेड ओपन करने के लिए इधर एक ये जैसे आप देख पा रहे हैं ये एक क्लिक दिया है। इसको जब आप ये ओपन करेंगे तो इससे आप ये प्लेट रिलीज़ हो जाएगी। तो ये जो प्लेट रिलीज़ हुई है इसमें देख आप देख सकते हैं एक 1x4 इंच का स्क्रू है। इस स्क्रू के साथ आप DSLR या अपना मोबाइल फ़ोन माउंट करेंगे। मोबाइल फ़ोन डायरेक्टली माउंट नहीं होगा, मोबाइल फ़ोन इस ब्रैकेट के थ्रू माउंट होगा। ये अब ये माउंट को आप कैसे फिट करेंगे इसमें, इसके नीचे देखिए दोस्तों ये 1x4 इंच स्क्रू जो है इसको मूव करने के लिए एक ये हैंडल दिया है। इस हैंडल को घुमा के आप इसको पहले ओपन कर लीजिए। इस 1x4 इंच स्क्रू को मैं मूव कर रहा हूँ और फर्दर अभी इस माउंट में इस ब्रैकेट में देखिए ये दोनों तरफ होल है, इधर भी है इधर भी। आप इसको चाहे तो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप किसी भी मूवमेंट में इसको फिक्स कर सकते हैं। इसको मैं फ़िलहाल अभी लैंडस्केप मूवमेंट मुझे चाहिए तो मैं इसको इस तरह यहाँ पर टाइट कर लूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों ये पूरा टाइट हो चुका है। अभी मुझे वापस जब इसमें ये इंस्टॉल करना है इस प्लेट को, जब मैंने इसमें फिट कर दिया तो मैं इसको वापस इस की को रिलीज़ कर दूंगा, जिससे कि ये वापस अब पूरा आप देख सकते हैं इसमें फिट हो चुका है। हमें मिलता है एक स्पिरिट लेवल स्पिरिट। ये लेवल स्पिरिट आपकी हेल्प करता है आपको ये देखने के लिए कि क्या आपका जो डायरेक्शन है वो स्ट्रेट है, आप एक समतल स्थल पर खड़े हैं जिससे कि आप इसको वीडियो बना रहे हैं जहाँ पे। तो ये है वो लेवल स्पिरिट। अब इसमें एक फ़ोन कैसे माउंट करेंगे दोस्तों ये हम सीखते हैं। तो दोस्तों ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने मोबाइल अपना माउंट किया है इस मोबाइल ब्रैकेट में। इससे जब मैं इसको लूज़ कर देता हूँ इसके पैन हेड को, जिससे कि मैं इसको फर्दर स्टेयर कर सकता हूँ। कंप्लीट 360 डिग्री मूवमेंट ये मुझे अलाउ करता है, जिससे कि कोई भी पैनोरमिक व्यू मैं कैप्चर कर सकता हूँ और जहाँ पे भी मुझे इसको सूटेबल लगेगा मैं इसको फ्रीज़ कर सकता हूँ, इसके नॉब को ये टाइट कर सकता हूँ। यहाँ से आप अपने कोई भी वीडियो कोई भी फ़ोटोशूट सब कुछ कर सकते हैं, कोई भी पैनोरमिक व्यू ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा कि कैसे इसमें मोबाइल माउंट करना है, कैसे इसको यूज़ करना है। इसकी क्वालिटी की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी, बहुत स्टडी क्वालिटी है, लाइट वेट है, येट बहुत ही अच्छी क्वालिटी ये हमें देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों इसके जो लेग्स हैं, लेग्स के साथ में हमें ये एंटी स्किड रबड़ मिलती हैं, जिससे कि आप एक स्टेबल फ़ोटो क्लिक कर सकें, एक स्टेबल वीडियो बना सकें। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी ओवरऑल ये इसकी ट्राईपोड की है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा ये अमेज़न बेसिक्स का 50 इंच का ट्राईपोड एक बहुत अच्छी क्वालिटी का ट्राईपोड है, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है। आप यूट्यूब वीडियोज़ बनाना शुरू कर सकते हैं इसके थ्रू। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका
परचेजिंग लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहाँ से आप इसको डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।